गोनिका, स्कूल में जहां बच्चे पढ़ने चाहिए वहां कबाड़ है, किस तरह से फ्यूचर को कबाड़ किया जा रहा है उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। अतिक्रमण कहां कहां और कैसे देखा है आपने? बिल्कुल पवन, स्कूल में कबाड़ की रिपोर्ट तो हमने देखी, लेकिन सड़क पर भी पूरी तरह कबाड़ फैलाया हुआ है। किस तरीके से ये पूरी सड़क जो 2 डबल 4 लेन की सड़क है, जिसमें आने और जाने के वाहनों के लिए जगह है, उसमें एक लेन हर दोनों तरफ सिर्फ वहां पर कबाड़ रखा हुआ है और उसी कबाड़ को हटाने के लिए बार बार MCD कार्रवाई करती है, जिसका हवाला आज सुप्रीम कोर्ट में भी दिया गया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इस तरीके की कार्रवाई पिछले 3 महीनों से चल रही है और उसी कार्रवाई को कंटिन्यू करते हुए अप्रैल में, यानी कि कल भी इसे कंटिन्यू किया गया। और कबाड़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं कि अभी भी जिस जगह पर ये कुशल सिनेमा का रोड है, मस्जिद के सामने वाला ये रोड है, वहां पर अभी भी कुछ थोड़ा बहुत कबाड़ बाकी है। कल कई टन यहां से कचरा, कई टन यहां से मलबा लेकर गई थी MCD डंपर्स में भरकर, डंपर्स की संख्या तक कम पड़ गई थी, इतने इतने डंपर भर गए थे। और यही देखा गया है कि ये सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि सड़कों को भी पूरी तरह कबाड़ खाने में तब्दील कर दिया गया था यहाँ। तो ये आपने देखा कि किस तरह से MCD के स्कूल में कबाड़ है, लेकिन अब आपको जहांगीरपुरी की मेन सड़क का वो PWD का नाला दिखाते हैं, जहां नाला जहांगीरपुरी के करीब आने के बाद गायब हो जाता है क्योंकि उस पर अवैध कब्जा है। PWD ने बड़ा सा बोर्ड लगाया है जिस पर लिखा है कि आगे गहरा नाला है, लेकिन आपको सिर्फ बोर्ड दिखाई देगा क्योंकि उसके पीछे झुग्गियां हैं। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम जहांगीरपुरी के सी और डी ब्लॉक के मेन रास्ते पर हैं। यहीं से 800 मीटर दूर कुशल चौराहा है जहां ये पूरा बवाल हुआ था, लेकिन इस इलाके में आपको अवैध कब्जा ऐसे दिखेगा मानो स्लोगन ये हो, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। कैसे? ये आप नाला देख रहे हैं, ये PWD का नाला है, काफी चौड़ा नाला है, लेकिन इस नाले पर जमीन पर मिट्टी डालकर टेम्पो खड़े किए गए हैं, वो अवैध है। इसके अलावा बाईं ओर झुग्गियां बननी शुरू हो गई है। अब जरा देखिए, ये नाला इस सड़क को पार करता है, बाकायदा इस नाले पर एक पुल बनाया गया था, लेकिन अब जरा आगे बढ़ेंगे आप तो यहां एक चेतावनी है कि आगे गहरा नाला है, कृपया दूर रहें। PWD का पोस्टर लगा है और इससे आगे नाला गायब है। ये प्लॉट है जिसको कब्जा करके चार दीवारी कर दी गई है। ये नाला यहां से आगे बढ़ता है तो जरा आगे देख लेते हैं। ये जमीन भी सरकारी है लेकिन इस पर झुग्गियां बस गई हैं। ये झुग्गियां भी सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं। आप रहते हैं यहाँ पे? सरकारी नहीं है, प्राइवेट जमीन है। ये सरकारी नहीं है, प्राइवेट है ये। अच्छा, मालिक कौन है इसका? मालिक ये है इसका, ये है त्यागी जी। तो ये नाला कहाँ चला गया? ये नाला नीचे कर है। नहीं नहीं, ये नाला आगे भी तो जा रहा है ना, ये लगा चेतावनी लगी हुई है आगे। ये तो ढक दिया मान लिए, तो बाकी नाले की जमीन कहाँ गई? नाली नहीं है ये। ये तो नाली का नाला बना दिया, चौड़ा कर दिया, इसकी सफाई नहीं होती, कुछ नहीं होती, तो इसमें गंदी रहती है। ये PWD का पोस्टर किसने लगा दिया? अगर ये नाला नहीं था तो PWD ने पोस्टर क्यों लगा दिया? जब लगाया था जब इसमें बच्चा मरा था डूब के, बच्चे मरे थे इसमें। तो देखिए, कह रहे हैं कि बच्चे डूब गए थे इसलिए इस नाले को भर दिया गया है, और कह रहे हैं कि ये जमीन निजी है। आगे अगर आप देखें, बिजली कनेक्शन है आपके पास? तो देखिए, यहाँ सरकारी जमीन पर आपको बड़ी आसानी से मीटर का कनेक्शन मिल जाता है क्योंकि झुग्गी झोपड़ी में मीटर का कनेक्शन देने का प्रावधान है। और देखिए, यहाँ ये सब झुग्गियां हैं और ये आप जो नाली देख रहे हैं, वहां इतना चौड़ा नाला है और यहाँ आके इतनी सिमटी हुई नाली है, बाकी ये चार दीवारी करके जमीन को कब्जा कर लिया गया है। यहाँ के निवासी हैं वो कह रहे हैं कि निजी जमीन है। तो कितना किराया लेते हैं त्यागी जी आपसे? त्यागी कुछ नहीं लेते। कितने में खरीदी? बहुत साल के, खरीदी भी नहीं है, बहुत साल से रहते हैं, ऐसी मलबा भर के, गड्ढा भर के ऐसी रहते हैं बहुत साल से। अच्छा, मलबा भरा था पहले आपने? हाँ, गड्ढा भरा, अपनी जगह बनाई और अब यहीं रह रहे। हाँ, कितने साल हो गए? कम से कम 35-30 साल हो गए। 35 साल से। आज जब सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई तो यही कहा गया कि जो लोग 30-35 साल से रह रहे हैं तो वो अवैध कैसे हैं, और इसी तरीके से यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, नाला गायब हो जाता है, प्लॉट कट जाते हैं। ये तो शुक्र है इस बात का कि PWD का एक पोस्टर लगा है, वरना हमारे लिए कहना मुश्किल हो जाता कि यहाँ कोई PWD का नाला भी है। आगे आप चलेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कदम दर कदम यहाँ एनक्रोचमेंट है। आइए हमारे साथ। कुशल चौक के आगे की तरफ आप जब 50 कदम चलेंगे तो रोड की चौड़ाई इतनी है, लेकिन जैसे ही आप इधर मुड़ेंगे ये रोड यहाँ
चार लेन के बजाय सिर्फ एक लेन का रह जाता है, क्योंकि यहाँ से मकान आगे आने शुरू हो गए हैं। जहाँ ये खंबा लगा है उसके वहां तक झुग्गी है और रोड एकदम संकरा हो जाता है। आगे चलेंगे तो आपको बहुत सारे पार्क दिखाई देंगे, लेकिन वो पार्क और उनके दरवाजे बंद हैं और उसके आगे अतिक्रमण है। आइए उसी रोड पर आगे चल के आपको दिखाई देगा कि ये एमसीडी की धर्मशाला है और आगे रोड है। इस रोड पर भी एक घर बना लिया गया है, ये आपका है सर? इनका है जी। इनका है। कितने साल से रह रहे हैं? तो हमारे को 20-25 साल हो गए। अच्छा, सड़क पे कैसे बन गया है घर? घर नहीं, दुकान है। दुकान है तो कैसे बन गया? कैसे बन गया? बिजली का मीटर भी लगा है? मीटर तो लगा ही है। हाँ, मीटर कैसे मिल गया सड़क पे? अरे मिलने वाले तो मिल जाते ही है भाई। मिलने वाले को मिल जाता है, सड़क पे दुकान है, 20-25 साल से है, मीटर भी मिल गया है। तो देखेंगे, ये दुकान है, बिजली का कनेक्शन है, रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है, ये यहाँ की स्थिति है। आगे बढ़ेंगे तो बिजली का ट्रांसफार्मर है, इसके आगे भी आपको कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आएंगी। जैसे ही इस धर्मशाला के इस छोर पे आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर पार्किंग के अलावा आपको एक और घर दिखाई देगा। ये घर भी पूरे तरीके से सड़क पर बना हुआ है, यानी यहाँ जहाँ खाली जगह है, जहाँ सरकारी है, वो हमारी है। ये देखिए, बाकायदा मीटर यहाँ लगा हुआ है। तो सवाल पूछे जाने चाहिए कि ये मीटर सरकारी जमीन पर रोड पर जब घर बनता है तो कैसे मिल जाता है? भाई साहब, अरे कोई है माता जी? अच्छा, माता जी घर पे। और ना सिर्फ घर है, उसके बाहर एक दुकान भी है, और ये सब सड़क पर है। सड़क लगभग यहाँ 50 फीट की है, तो सिर्फ 15 फीट की बच गई, ये बाकी पर कब्जा है। माता जी कह रहे हैं अभी आ रहे हैं। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये उत्तरी दिल्ली नगर निगम का हरदयाल म्यूनिसिपल हेरिटेज पब्लिक लाइब्रेरी है। ये पब्लिक लाइब्रेरी के गेट पर एमसीडी यहाँ तक अपनी हद मानती है। लेकिन कैमरामैन मेरे थोड़ा पीछे जाएंगे तो यहाँ और यहाँ दोनों तरफ 10-10, 15-15 फीट का कब्जा है। इस खंबे के बराबर सारा कब्जा कर लिया गया है। मीटर यहाँ भी लगा है, SGC 19/42 मीटर लगा है। फिलहाल घर पर कोई नहीं है, ताला लगा है। तो यहाँ घर भी कब्जा है। तो जो जगह आपको दिखेगी वो आगे चलेंगे, ये वो कब्जे हैं जो सड़क पर घर है। इस तरह के छज्जों की तो हम बात कर ही नहीं रहे। ये भी आप देखेंगे तो नाले के ऊपर गुमटियां बनाई गई हैं। ये जहांगीरपुरी का जी ब्लॉक है। यहाँ एक एमसीडी का छोटा सा पार्क है, लेकिन पार्क के सामने फिर यहाँ सरकारी जमीन पर कब्जा है। ये वैन है जो शुरुआत में खड़ी की गई और बाद में वैन के नीचे ईंट लगा दी गई है, तो ये फिक्स है। ये जगह को कवर करने का तरीका है। एक यहाँ पर शटर लगा हुआ है, दुकानें हैं, ये भी अवैध कब्जा है। और एक झोपड़ी यहाँ आ गई है, कुछ पेड़ है, उसके आगे फिर एक वो है। यानी ये एमसीडी का पार्क है और पार्क के सामने की सारी जमीन को यहाँ कब्जा कर लिया गया है। यहाँ एक पुरानी खटारा वैन को कब्जा करने के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। रोड के दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो दूसरी तरफ भी एमसीडी का पार्क है, लेकिन यहाँ भी एक झोपड़ी है, एक दुकान है, ये भी मेन रोड पर कब्जा कर लिया गया है। जो डस्टबिन है वो सड़क पर किनारे लगाया गया था, अब इस डस्टबिन के बगल में है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।